मैं हूं सुमित चौधरी। राजस्थान की सभी पंचायतों पर आज तालेबंदी हो गई है। पीडी खाते के विरोध में सभी सरपंच लामबंद होकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। इसके साथ साथ सरपंच वित्तीय संकट से जूझ रही पंचायतों को फंड जारी करने की भी मांग कर रहे हैं। राजस्थान में एक बार फिर आंदोलन की आग सुलगने लगी है। इस बार गुर्जर नहीं बल्कि सरपंचों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। सूबे के 33 जिलों की 11,000 से ज्यादा पंचायतों पर संग्राम सा मचा हुआ है। गांव के मुखिया अपनी अपनी पंचायतों पर ताला लगा चुके हैं। सरपंचों ने दो प्रमुख मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। पहली मांग है पीडी खाते के आदेश को सरकार वापस ले, जबकि दूसरी मांग राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग का 2 साल का अटका 6,000 करोड़ का फंड पंचायतों के खातों में डाला जाए। सरपंच संघ कार्यकारी अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल ने मांगे न माने जाने की सूरत पर आंदोलन को बढ़ाने की चेतावनी दे डाली है। राजस्थान सरकार के साथ में आज सरपंच संघ का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है कि 11 तारीख से, उसके बारे में हमको बुलाया गया था, हमसे वार्ता हुई है, लेकिन पीडी खातों को लेकर अभी तक सकारात्मक रुख नहीं है। सरकार पीडी खाते खोलना चाह रही है और वो पैसा सरकार का पीडी खाते में रखना चाहती है। हम ये चाहते हैं कि हमारा खाता जो पहले से ग्राम पंचायतों के खाते खुले हुए हैं उन्हीं में हमारा पैसा है और सरपंच अपने हिसाब से पैसा उसको यूज में ले। दरअसल राज्य सरकार ने सरपंचों से वित्तीय अधिकार छीन लिया है, यानी अब सरपंचों को पंचायतों के विकास कार्यों के लिए पैसा खर्च करने का अधिकार नहीं होगा। अब पंचायतों के पैसों का हिसाब किताब वित्त विभाग के पास होगा। वित्त विभाग सभी पंचायतों के लिए पीडी अकाउंट खोल रहा है। सरपंच को इन्हीं अकाउंट से विकास कार्यों के लिए पैसा दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले प्रदेश के हर पंचायत में विकास कार्यों के लिए सरकार स्टेट फाइनेंस कमीशन से सीधा पंचायतों के खातों में पैसा ट्रांसफर करती थी। ये राशि साल में 2 किस्तों के तौर पर पंचायतों के खातों में जाती थी। मध्यम पंचायतों में 10-10 लाख और बड़ी पंचायतों के लिए 15-15 लाख की 2 किस्तें दी जाती थी, लेकिन सरकार ने अब ये व्यवस्था बंद कर दी है। आज हम सरकार के बुलावे पे हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी है अखिल अरोरा जी, उनके साथ में सरपंच की तरफ से मीटिंग करने के लिए गए थे और उन्होंने हमको बताया कि जो पीडी अकाउंट जो हम खोल रहे हैं उसमें सरलीकरण कर दिया जाएगा और सरकार की तरफ से कोशिश करेंगे कि इसमें सरपंचों को तकलीफ नहीं हो। राज्य सरकार राज्य वित्त आयोग से राजस्थान की सभी पंचायतों को हर साल 2 किस्त में करीब 2,000 करोड़ रुपए गांव के विकास कार्यों के लिए देती है, लेकिन 2 साल से पंचायतों को कोई फंड नहीं मिला, यानी राज्य वित्त आयोग ने पंचायतों के विकास के लिए 4,000 करोड़ रुपए अटका रखे हैं। ऐसे में पंचायतों का विकास नहीं हो पा रहा है। सरपंच कहते हैं कि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आंदोलन और तेज हो जाएगा। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।